हुए तथा कथित जहरीली शराब कांड के बाद मोहम्मदपुर गांव के तुरहा टोला में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। यहां उत्पाद विभाग की टीम के अलावा सदर एसडीएम और एसडीपीओ मोहम्मदपुर के पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक एक घर की तलाशी ली जा रही है। तुरहा टोला से आरोपी छोटे लाल साह को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि छोटे लाल साह के घर से ही शराब की सप्लाई की गई थी, जिसमें तथाकथित शराब पीने से 5 लोगों की मौत हुई है। हालांकि 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, 4 लोग बीमार है, जिसमें मुकेश राम शराब पीने से बीमार है। उसके घर से भी शराब के कई पाउच बरामद किए गए हैं। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तुरहा टोला के एक एक घर और एक एक कमरे की तलाशी ली जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि सुबह सूचना मिली कि मोहम्मदपुर थाना अंतर्गत मोहम्मदपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में कुछ लोग जहरीली शराब पीने की बात आई थी कि जहरीली शराब पी के बीमार हैं। एक्साइज सुपरिंटेंडेंट गोपालगंज, सदर एसडीओ और हम संयुक्त रूप से घटनास्थल पर आए और अभी तक जो हम लोग पाए हैं उसमें 3 व्यक्तियों के मरने की बात आ रही है और 5-6 व्यक्ति का इलाज चल रहा है। और हम लोगों ने 2 आरोपित जिसका नाम जो बीमार है उनके बयान में आया है, वो लोग अपने बयान में बताए हैं, तो उनके घर से हम लोगों ने छापामारी की है संयुक्त रूप से। तो एक आरोपी के घर से 6 पाउच और ये दूसरे आरोपी के घर से लगभग 24 पाउच वो स्प्रिट की शराब बरामद हुई है। अब उसकी जांच हम लोग आगे कराएंगे उसमें क्या है और आगे जो छापामारी चल रही है उसको और कर। अभी तक पूछताछ के लिए लगभग 3-4 व्यक्ति को हम लोग हिरासत में लिए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। और मेन है कहाँ से ये शराब आई, इस बिंदु पर फोकस करके आगे पूरे इलाके में छापामारी जारी है। सभी सीमावर्ती थाना प्रभारियों से छापामारी कराई जा रही है, जिस पर एक्साइज सुपरिंटेंडेंट और एसडीओ साहब हमारे स्तर से लगातार निगरानी है। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी कंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।